वर्बल कम्युनिकेशन जैसा कि आपको हमने कुछ वीडियो में पहले बता चुके हैं, आगे हम बताएंगे। कुछ बच्चे को जो है वर्बल और नॉन वर्बल नहीं समझ में आ रहा था, इसको क्लियर करने के लिए इस चीज को बताया जा रहा है। एज द टाइटल इंडिकेट्स, यानी वर्बल कम्युनिकेशन जो टाइटल आपको दिख रहा है ये क्या बताता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली। यानी वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें संदेश को मौखिक रूप में या लिखित रूप में हम लोग प्रेषित करते हैं, और ऐसे संदेश जो होते हैं जिसमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें बोलने की आवश्यकता पड़ती है, शब्दों को लिखने की भी आवश्यकता पड़ती है, या इसको एक संरचना प्रदान की जाती है जिसमें इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी जब बोलेंगे लिखेंगे किसी को और डिग्री के बताएंगे अपनी बात को, तो उसका मीनिंगफुल मैनर हो, ऐसा नहीं कुछ भी लिख के आते दें, सामने वाले की जरूरत की चीज़ हो और उसी को आप लिख के दें या वही चीज़ आप उससे बात करें उसको बताएं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अगर और भी देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। यानी इसको और विस्तार से समझा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन दो रूप है इसके, मौखिक संचार और लिखित संचार। ठीक है, बोल के जो किया जाए ओरल हो गया और लिख के किया जाए लिखित हो, मतलब रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन की जो है ना मोस्ट कॉमन फंक्शन इन कम्युनिकेशन, मौखिक संचार जो है सबसे सामान्य एक संचार माना जाता है जो सबके लिए आसान है, जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मौखिक संचार कर सकता है। ठीक है, लिखित के लिए हमने बताया था कि लिखित के लिए तो लिखित मतलब साक्षर होना जरूरी है, एजुकेटेड होना जरूरी है, लिखित में मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए तभी आप लिख पाएंगे। तो ओरल कम्युनिकेशन में आपको साक्षरता की आवश्यकता नहीं है, और टोन स्ट्रेस इंटोनेशन एप्रोप्रिएट पॉसेस, यानी बोलने में भी कॉमा है, फुल स्टॉप है, और अगर इंट्रोगेटिव का मार्क है तो इसमें पॉज देना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, और कहाँ लगातार बोलना पड़ता है, फुल स्टॉप है तो वहाँ थोड़ा रुकना है, इन सब चीज़ों का भी मौखिक संचार में आपको ध्यान देना है। ठीक है, बोलते समय आप जो है पंक्चुएशन पढ़े हैं, पंक्चुएशन इंटरमीडिएट वाले पढ़े होंगे या हाई स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो पंक्चुएशन जो मार्क्स होते हैं उनका कोई मतलब होता है, हाइफ़न है, डैश है, होता है ना, उन सब का मतलब होता है, तो उन सब चीज़ों का पालन करते हुए ही हमको ओरल कम्युनिकेशन करना चाहिए। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, सामने वाले में जैसे आप बात कर रहे हैं, जो बात समझाना चाह रहे हैं तो उसके सुनने की जल्द क्षमता है, जो बात आप उसको शब्दों में बयां कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यानी इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति है और आप इंग्लिश बोलना जानते हैं तो उसे इंग्लिश में बात करिए वो समझेगा आपकी बात, लेकिन अगर वो भोजपुरी जानता है और आप इंग्लिश में उससे बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा। यानी भाषा जो है दोनों की सेम होनी चाहिए, उसके बाद नॉलेज स्किल जो है आपकी जो एजुकेशन है उसके हिसाब से उसका भी एजुकेशन होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो लेकिन वो आपकी बात को समझने की क्षमता रखता हो। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन जहाँ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कर रहे हैं तो इन सब की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ओरल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इफेक्टिव, यानी ये प्रभावकारी नहीं हो सकता है जब लिसनर जो है आपका अच्छा नहीं है, लिसनर अच्छा है तो आपका कम्युनिकेशन जो है अच्छा होगा। उसके बाद जो है इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रिपोर्ट आप तैयार करते हैं, कोई कार्य हुआ है उसका रिपोर्ट बना के देना पड़ता है, आप बोल के बताते हैं रिपोर्ट को, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मोबाइल फोन आजकल आजकल जमाना है टेलीफोन, तो आप क्या करते हैं उस पर आप बात करते हैं, कोई सूचना किसी को देते हैं, भाषण देते हैं, स्पीच, हम क्लास ले रहे हैं आपका, ये भी ओरल कम्युनिकेशन ही कर किया जा रहा है। इसके बाद रेडियो से बात सुनते हैं आप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना कोविड के दौरान ज़्यादा इसका यूज हो रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, मीटिंग वगैरह ऑनलाइन वीडियो के द्वारा किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन, सब लोग एक साथ बैठते हैं और किसी बात को लेकर आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद जो है साक्षात्कार इंटरव्यू में लोग पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर भी होता है। उसके बाद वॉइस ओवर इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर भी आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे भी आपको ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये अलग अलग माध्यम है जिनके द्वारा जो है हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं।
और ओरल कम्युनिकेशन सप्लाई इंस्टेंट रिस्पॉन्स एंड प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग। ओरल कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं यानी आप बातचीत अगर करते हैं तो इससे आपका क्या आता है, जो आपका इंटरनल जो योग्यता है जो क्वालिटी है वो काफी डेवलप होती है। जिस समय रहेंगे डरे रहेंगे कुछ नहीं बोलेंगे तो आपके अंदर जो बात रहेगी वो आप किसी के सामने वाले को नहीं बता पाएंगे, हो सकता है दब जाए वो भूल जाए, इसलिए ओरल कम्युनिकेशन आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, आगे जो है रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटेन कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड टू बी कोर इमोशनल कम्युनिकेशन स्किल एज इट सर्व्स एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एंड कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर स्टडी। रिटेन कम्युनिकेशन है तो इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, यानी लिखित कुछ साक्ष्य आपके पास जरूर होने चाहिए। ठीक है, लिखित साक्ष्य होने चाहिए, इसके लिए आपको लिख के ही कुछ देना पड़ेगा। इफेक्टिव रिटेन कम्युनिकेशन की आवश्यकता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है आपके अंदर जो है लिखने के लिए वर्ड्स भी आपके पास होने चाहिए, कैसे शब्द लिखने हैं क्या करने हैं इन सब की जानकारी होनी चाहिए। रिटेन कम्युनिकेशन आर वेरी फॉर्मल इन नेचर। रिटेन कम्युनिकेशन जो होता है इसकी प्रकृति जो होती है औपचारिक होती है, इसमें जो है जो सिलेक्शन होते हैं वर्ड के और जो सीक्वेंस होता है सभी चीज़ें होती हैं तो उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। जो जैसे हमने ओरल कम्युनिकेशन बताया कि कम्युनिकेशन मार्क्स के देखने के अनुसार आपको बोलना चाहिए, तो वैसे आप लिखते समय भी उनका यूज आपको करना पड़ेगा। कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, हाइफ़न कहाँ है, डैश कहाँ है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है लिखते समय कि जब वो व्यक्ति जिसे आप रिटेन कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो जब देखे उसको तो उसका वो महत्व समझे और उसके हिसाब से आगे क्या करेंगे पढ़ाई करें। फीडबैक इसमें तुरंत नहीं मिलता है, ओरल में बताया था मैंने, फीडबैक तुरंत मिलता है, इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है। और इसमें जो है रिपोर्ट आप जो ओरल करके बताते हैं उसको लिखित में भी देना पड़ता है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी जॉब का जो वर्णन है वो भी, कोई प्रपोजल है, फैक्स है, ईमेल है, विज्ञापन है, ब्रॉचर्स है, न्यूज आर्टिकल्स है, लेटर्स है और प्रोजेक्ट कोई बना के तैयार करते हैं तो सब रिटेन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। यानी वर्बल में दो ही होते हैं, ओरल और रिटेन। इसके अनुसार इसी में ही फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक जो संचार है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग वर्बल कम्युनिकेशन को समझ गए होंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें सिग्नल आप बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो भाषाएं हैं यानी जो इशारे हैं इनका जो है आप क्या करेंगे, इशारों से बताएंगे आप हैं, संकेतों के द्वारा, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस का एक्सप्रेशन के द्वारा बताएंगे, और कोई चिन्ह है उसके द्वारा, बॉडी मूवमेंट्स अपने शरीर के मूवमेंट के द्वारा भी आप गतिविधि के द्वारा बताएंगे, आई कॉन्टेक्ट आँख से हैं गुस्से वाला आँख दिखा के या सामने सामने डरे डरे महसूस कराएंगे। तो ये सब भी क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये एग्जांपल है। उसके बाद जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू वर्डलेस मैसेज, यानी इसमें जो है हम क्या करते हैं बिना शब्दों के ही अपना संदेश प्रेषित करते हैं बिना शब्द का। ठीक है, शब्दों का यूज नहीं होता है नॉन वर्बल में। और भी इसमें जो टोन है, वॉइस है, पिच है, रिदम है, इंटोनेशन है, स्ट्रेस है, इन इंटोनेशन है जो ओरल कम्युनिकेशन में था और रिटन में था वो नॉन वर्बल में है, लेकिन ये इससे आना चाहिए, आपके बॉडी मूवमेंट से आना चाहिए, आपके जो इशारे कर रहे हैं उससे होना चाहिए। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये सब होता है। इसमें जो है बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, हैप्टिक्स, प्रॉक्सेमिक्स, पैरा लिंग्विस्टिक, क्रोनेमिक्स, ऑक्युलेसिक्स, साइलेंस, ये एग्जांपल है। तो शारीरिक परिभाषा हो गई, शिल्पकृति कोई आप पत्थर पर लिखी हुई चीज अजंता एलोरा गुफाओं में आप वो सुने होंगे, या कहीं भी आप हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको फिगर्स देख के, चित्रों को देख के आप समझते हैं कि उस समय क्या था, खोज हुई है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है तो वहाँ पे आप जो बन रहा है, ये बना नहीं है बन रहा है, तो वहाँ पे जो खुदाई हुई जो चीजें वहाँ से निकली है, शिलालेख वगैरह निकले हैं, तो उसको देखने के बाद साक्ष्य ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पे राम मंदिर था। उससे आप देख के जो पता चला है तो जो संचार हुआ
या हम लोगों को पता चला, या जो पाश्चात्य जो क्या खुदाई करने वाले हैं, जो पता करने वाले हैं, जो उन्होंने बताया है, तो वो संचार करके ही उनको हमको बताया, और हम भी जाकर वहां पर देख रहे हैं तो हमको भी एहसास होता है। तो ये साइलेंस, शांत हो जाना, जैसे आप एकदम शांत है, किसी कोई आपसे बात कर रहा है एकदम शांत है, तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कोई बात है चुपचाप, आपके बात को कोई सुन रहा है और सर जरा सामा हुआ है, तो ये सब एग्जाम्पल है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वर्बल और नॉन वर्बल में क्या अंतर है, थोड़ा सा विस्तार से आज हमने क्लास में आपने क्लास के दौरान आपको बताया, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप पुरानी क्लासेस भी चलते रहेंगे, और इसी क्लास में जो है हम जो चीज़ें हैं जो पढ़ाएंगे वो आपको वीडियोज के द्वारा भी यूट्यूब पर देंगे। ठीक है।